नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राय सिंह तिंदोरी। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड अपने लोक पर्वों के लिए, लोक त्योहारों के लिए प्राचीन टाइम से बहुत प्रसिद्ध रही है और इन्हीं लोक पर्वों और इन्हीं लोक त्योहारों से जुड़ा हुआ है एक त्यौहार है बैसाखी पर्व। और बैसाखी पर्व अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीति रिवाजों के हिसाब से मनाया जाता है। और हमारी जो केदार वैली है, पूरी केदार वैली में जो जाख मेला लगता है उसको ही बैसाखी मेला कहते हैं। ऐसा ही एक बैसाखी मेला, जाख मेला हमारे गांव चौमासी यानी कि मेरे गांव चौमासी में भी लगता है। चौमासी वही गांव है जहां से श्री केदारनाथ धाम के लिए एक पैदल ट्रैक जाता है। वह पैदल ट्रैक रामबाड़ा और केदारनाथ में मिलता है और यहां से केदारनाथ की दूरी मात्र 19 किलोमीटर रह जाती है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करूंगा जो मेरे गांव चौमासी में जाख मेला होता है उसके बारे में। पहला दिन जब होता है, जाख देवता के मंदिर में सभी लोग इकट्ठे होते हैं और यहां पे जो न्यूज़ पूज रीति रिवाज के हिसाब से प्राचीन टाइम से जो हमारी परंपराएं निर्वाह होती आ रही हैं, उन्हीं के साथ साथ हम भी इस परंपरा का निर्वाहन करते आ रहे हैं। पहले दिन कुछ अनोखे प्रकार के व्यंजन इस बैसाखी मेले के शो अवसर पर बनते हैं। इन्हीं में से एक बनता है बाबर। यह बैसाखी मेले का सबसे मुख्य प्रसाद माना जाता है। बाबर का ही यह पहला दिन होता है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। थोड़ा वही तो बहुत ज्यादा बाबर पे है राजेंद्र कुमार, अवतार सिंह, कार्तिक सिंह, मनोहर, हरबल सिंह, सुभाष, भूपेंद्र सिंह, योगम्बर सिंह, दाल भात सब्जी पे अजय, अनूप, भगत सिंह, बद्री और दिपिन राय सिंह, टोली नायक है यशवंत सिंह, मयंक, पवन, प्रमोद, मनीष, लाभ उदय जान, हिमांशु और मोहित चौहान, सतय सिंह, विक्रम सिंह, अध्यक्ष के लिए साहिल और आयुष, तो देखिए दोस्तों, कोई भी बड़ा काम होता है उसको करने के लिए सबकी सहभागिता जरूरी होती है और हमारे यहाँ पे भी सबकी बारी लगाई जाती है और हर कोई अपने काम को बखूबी से अंजाम देता है। और ये देख सकते हैं आप, इन टोकरियों में सारा कुछ न्यूज़ पूज हम लोगों ने अपने घर से लाया हुआ है और यह 3 दिन के लिए लाया गया है। इस बैसाखी मेले और गोठी मेले का एक खास नियम होता है, जब घर से हम न्यूज पूज लाते हैं और उनको इन ऐसी टोकरियों में लाना पड़ता है और इनको फिर पूजा करने के बाद जो बच जाता है उसको घर के लिए भेजा जाता है। एक बार इनकी अच्छे से पूजा की जाती है। अरे तो इस प्रकार से सारी सामग्री आज की जो पूजा है उसने बनने वाले विशेष करके जो बाबर है उसके लिए यह तैयार किया जा रहा है। ये चावल का बनता है, गुड़ और चावल का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो ये गोठी का मेला होता है, इसमें पहले दिन
बाबर बनाए जाते हैं और बाबर बनाने की एक खास तरीका होता है। इनको चावल से बनाया जाता है, चावल को पहले पीसा जाता है, मीठा वगैरह सारा कुछ मिलाया जाता है, फिर इसको ऐसे घोट घोट करके पूरी अच्छे तरह से इसको, इसका जो मिश्रण है वो बिल्कुल ऐसे बनाया जाता है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद ये बन रहा है बाबर, और ये और ये बहुत खास होता है, सिर्फ साल भर में एक ही बार बनाया जाता है, और ये बैसाखी मेले पे, और पहले दिन जब जो माँ शांति का दिन होता है, जिस दिन से हमारा 3 दिवसीय मेला शुरू होता है, उसके पहले दिन इनको बनाया जाता है। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरे चावल के बनाए गए हैं, और ये अक्सर करके कुछ ही गाँव में बनते हैं, जिले चुने ही गाँव में ये ऐसी डिश जो बनती है चावलों के द्वारा, ये मात्र कुछ ही गाँव में बनती है। माल अब बना माल, और यह सब्जी देख रहे हैं, यह है लेंगड़े, और इन लेंगड़ों को जंगल से लाया गया है, ये जंगल में मिल जाते हैं। और इस प्रकार से यह हलवा के लिए तैयार किया जा रहा है, पूरी चाशनी भर के हलवा बनेगा। चाशनी भर के हलवा भी तैयार हो गया है, और यह प्रसाद के लिए घर घर दिया जाएगा। लास्ट में जो भी यहाँ पे आज बनाया जाएगा वो घर घर के लिए बांटा जाता है, और आज का यही प्रसाद होता है पहले दिन। क्या बने यहाँ पे? पूरी बना रहे हैं, और काफी अच्छी लगी। मास्टर अभी हम भगवान के लिए भोग, और इस प्रकार से भोग बनाया जाता है वो भी अलग से। और इसके बाद ये पूरी तैयारी हो गई है, अभी जो पुजारी जी हैं ये जाएंगे पूरे गाँव के बाहर, जितने भी देवी देवता है उनकी पूजा करेंगे, और ये सारा प्रसाद वहाँ पे चढ़ाएंगे। उसके बाद जब तक ये लोग वहाँ से घूम के आएंगे तब तक यहाँ पूरा काम तैयार हो जाएगा, के बाद फिर भोजन होगा, उसके बाद सारा प्रसाद बांटा जाएगा। और ये सभी पंचू को घर घर दिया जाएगा, और यह पंचायती कलेवा, आज का गोटी का कलेवा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं सारी टोकरियां भर गई हैं, और हर टोकरी हर घर में जाएगी, और आज का यही कलेवा होता है। तो दोस्तों पहले दिन का जो कार्यक्रम है वो इस भोज के साथ साथ ही जो आज प्रसाद बना वो सबके घरों में चला जाएगा, और इसके साथ ही आज का पहला दिन संपन्न हो जाएगा। और अगले दिन कल यानी कि अगली सुबह को रामबाण शोभा यात्रा निकलेगी, और शाम को मुनि कोथी होता है। मुनि कोथी के साथ साथ पूरे रामायण के रांसे जो कि हमारी लोकल गढ़वाली जागरों के हिसाब से गाए जाते हैं, और रात भर जो आग जलती रहेगी मुनि पे, उसके नेक्स्ट डे क्यों होगा पूरा जाग का जो मेला होता है वो लगता है, और उस दिन जाग के पशुआ दहते हुए अंगारों में नृत्य करेंगे, यह भी आपको ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो साथियों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट में लिखिए, और मिलते हैं आपको अगली रामबाण शोभा यात्रा और मुनि कोथी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार।